नमस्कार, मैं हूं अंशिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं जागरण ग्लोबल। इजराइल और हमास का युद्ध पिछले 2 महीने से जारी है। इजराइल और हमास के इस युद्ध में अब तक 18,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और हजारों की संख्या में लोग घायल हैं। एक तरफ इजराइल जहां हमास के साथ युद्ध में उलझा है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला भी इजराइल पर छिटपुट अटैक कर रहा है। इसी को लेकर हाल ही में इजराइल ने हिजबुल्ला और लेबनान को कड़ी चेतावनी दी है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि आखिर इजराइल ने क्या कहा है और हिजबुल्ला संगठन क्या है और ये कितना ताकतवर है। जब से इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ है, तब से दुनिया के कई देश, खासकर मुस्लिम देश, इजराइल को नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसी में इजराइल का एक पड़ोसी देश है लेबनान, जहां से एक बड़े हिस्से पर हिजबुल्ला का शासन है। हिजबुल्ला इजराइल के शहरों पर पिछले 2 महीने से छोटे मोटे हमले कर रहा है। इसी को लेकर हाल ही में ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हिजबुल्ला ने इजराइल पर हमले बंद नहीं किए तो इजराइल लेबनान की राजधानी बेरूत को गाजा में बदल देगा। अब सवाल उठता है कि आखिर हिजबुल्ला संगठन कौन है और ये इजराइल को टारगेट क्यों कर रहा है और इसमें कौन सा जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। हिजबुल्ला ग्रुप लेबनान में एक्टिव है और इसके पास हमास के कई गुना ज्यादा सैनिक हैं। इसके अतिरिक्त हिजबुल्ला के रिलेशन रूस के साथ भी काफी मजबूत है और रूस ने कई अत्याधुनिक हथियार हिजबुल्ला को दे रखे हैं और ईरान में भी हिजबुल्ला को काफी बड़े स्केल पर सपोर्ट करता है। इसी कारण अगर इजराइल हिजबुल्ला से भिड़ता है तो उसके सामने बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि रूस इजराइल और हमास के युद्ध में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहा है। इसके पीछे तर्क ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच काफी लंबे समय से जारी युद्ध और अमेरिका यूक्रेन को जो असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है उसके कारण रूस जो यूक्रेन में करना चाहता है उसमें सफल नहीं हो पा रहा। इसका कारण रूस हिजबुल्ला को उकसा कर इजराइल से भिड़ना चाहता है ताकि अमेरिका यूक्रेन की जगह इजराइल में व्यस्त हो जाए और रूस मौका देखकर यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर ले। हालांकि जागरण इसकी पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता है। इजराइल और हमास के इस युद्ध में रूस के रुख को देखकर ऐसा लग रहा है कि रूस हमास की तरफ शिफ्ट हो रहा है और हाल ही में ही रूस ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने हमास एक्शन प्लान को शुरू किया तो ये वॉर क्राइम माना जाएगा। अगर आप हमास एक्शन प्लान के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमास एक्शन प्लान के जरिए इजराइल गाजा में मौजूद हमास की सुरंगों में पानी भरना चाहता है जिसमें हमास का नेटवर्क पूरी तरह तबाह हो जाएगा। अगर आप हमास एक्शन प्लान के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमास एक्शन प्लान के जरिए इजराइल गाजा में मौजूद हमास की सुरंगों में पानी भरना चाहता है जिससे हमास का नेटवर्क पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। अगर आप हमास एक्शन प्लान को लेकर डेप्थ में और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बस जागरण ग्लोबल में इतना ही। आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस इशू को लेकर आपकी क्या राय है।